बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम हमजा शेर एंड यू आर वाचिंग CDB कंसल्ट डिसाइडेड बाय प्रॉपर्टीज़ यूट्यूब चैनल। व्यूअर, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक स्ट्रीट व्यू लेके आया हूँ बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 का, जिसमें मैं आपको डिफरेंट जो ब्लॉक्स हैं फेज़ 4 के उसके कटिंग के बारे में बताऊँगा कि उनमें कौन सी रेजिडेंशियल कटिंग है, कौन से रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं और उनके रेट्स क्या है, और तकरीबन कितने जो घर हैं वो इन ब्लॉक्स में बन चुके हैं। तो ये वीडियो आपको मज़ीद हेल्प आउट करेगी एक स्टेटस जानने के लिए, एक करंट स्टेटस जानने में फेज़ 4 के, बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के। चले बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। व्यूअर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में एंटर हो रहा हूँ। फेज़ 4 में एंटर होते साथ ही G1 ब्लॉक लेफ़्ट साइड पर आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं G1 ब्लॉक के बिल्कुल स्टार्ट पे ये एक मॉल बन रहा है, बनने जा रहा है मॉल, जिसका नाम है टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया, जिसका काम बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक पे चल रहा है। इस मॉल के कंप्लीट होने के बाद रेट जो हैं G1 ब्लॉक्स के और पूरे आगे फर्दर ऑन G1 G2 के पूरे फेज़ 4 के जो रेट्स हैं उनमें बड़ा एक वाज़ेह डिफरेंस आएगा, रेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे। G1 ब्लॉक जो है यहाँ के, अगर प्लॉट्स की मैं कटिंग की बात करूँ तो यहाँ पे एक किनाल और 5 मरला के प्लॉट्स की कटिंग मिलती है। एक किनाल का जो प्लॉट्स हैं उनके अगर मैं रेट्स की बात करूँ कि मिनिमम मैक्सिमम उनके प्राइसेस कहाँ पे फॉल करती हैं, एक किनाल के प्लॉट्स की क्या प्राइसेस हैं, तो मिनिमम प्राइसेस जो हैं एक किनाल के प्लॉट्स की G1 की वो 1,30,00,000 तक हैं, और जो मैक्सिमम प्राइसेस हैं वो 2,00,00,000 तक जो है एक किनाल के प्लॉट की प्राइसेस हैं G1 में। आफ्टर एक किनाल में बात करूँ, 5 मरला कैटेगरी की बात करता हूँ, जो मिनिमम प्राइसेस हैं 5 मरला कैटेगरी में वो 57,00,000 है और मैक्सिमम जो रेंज आती है 5 मरला की वो 64,00,000 है। और उसके बाद जो G1 ब्लॉक है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो हैं घर जो हैं वो बन चुके हैं। घरों की अगर मैं बात करूँ कितने घर वहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, तो तकरीबन 18 से 20 जो हैं घर जो हैं G1 ब्लॉक में वो बन चुके हैं, और काफ़ी घर जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। G2 ब्लॉक की बात करता हूँ, अब के वहाँ पे बहुत कम एक किनाल के प्लॉट्स के ब्लॉक है G2 ब्लॉक। G2 ब्लॉक में डिफरेंट कमर्शियल मॉल बनने जा रहे हैं, जिस तरह ऑर्चर्ड मॉल, क्यू बाज़ार, एबीएन 99 और इस तरह ही SQ मॉल। घरों की कंस्ट्रक्शन का, घरों की कंस्ट्रक्शन रेट का अगर बात करूं तो G2 ब्लॉक पे एस्टीमेट आपको 5 से 6 घर जो हैं वो मिलते हैं। बाकी ये है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चल रहा है। G2 एक किनाल के प्लॉट की कैटेगरी है, जिससे मैंने आपको बताया, और मैं रेट्स की बात करूँ तो G2 में एक किनाल प्लॉट की जो प्लॉट्स का जो रेट है मिनिमम 1,10,00,000 तक यहाँ पे आपको एक किनाल का प्लॉट मिलता है, और मैक्सिमम बात करें तो 1,55,00,000 तक यहाँ पे आपको एक किनाल का जो प्लॉट है वो मिलता है। आफ्टर G2 अगर मैं G3 ब्लॉक की बात करूँ तो G3 ब्लॉक में 10 मरला प्लॉट्स की कैटेगरी अवेलेबल है। G3 एक ऐसा ब्लॉक है फेज़ 4 बैरिया ऑर्चर्ड का, जहाँ सबसे ज़्यादा घरों की कंस्ट्रक्शन का रेट देखने को मिलता है। यहाँ पे तकरीबन 30 से 35 घर बन चुके हैं और बाकी काफ़ी घरों का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और जो घर यहाँ पे बन चुके हैं उनमें मोस्टली घरों में जो लोग हैं लोग शिफ्ट हो गए हैं और घरों में लोग जो हैं वो रह रहे हैं। G3 में जो प्लॉट्स की कैटेगरी मिलती है वो 10 मरला प्लॉट्स की कैटेगरी मिलती है। रेट्स की बात करूँ तो 10 मरला प्लॉट का जो रेट है G3 ब्लॉक में मिनिमम 65,00,000 है और मैक्सिमम 80,00,000 तक जो है इसकी प्राइसेस जो हैं फॉल करती हैं 10 मरला प्लॉट की। G3 की ऑपोजिट साइड पे G4 ब्लॉक है। G4 ब्लॉक भी 10 मरला कैटेगरी का ब्लॉक है और इसके साथ एक किनाल की भी कटिंग यहाँ पर है, जहाँ 10 मरला के घर काफ़ी तेज़ी से बन चुके हैं। G4 ब्लॉक में तकरीबन 25 से 30 घर यहाँ पे बन चुके हैं। फेज़ 4 में बैरिया ऑर्चर्ड में एक खूबसूरत मस्जिद है जो कि ऑपरेशन है, इसके साथ पार्क वगैरह भी हैं जो कि फुली डेवलप, और स्कूल वगैरह भी हैं जो कि फुली डेवलप हैं। G4 के मैं प्लॉट्स की कैटेगरी की, मैंने जैसे आपको बताया कि एक किनाल और 10 मरला की यहाँ प्लॉट्स की कैटेगरी है। रेट्स की बात करूँ तो एक किनाल का जो प्लॉट है आपको मिनिमम यहाँ पे 1,20,00,000 तक मिलेगा और
मैक्सिमम 1,55,00,000 तक इसकी प्राइसेस जो हैं वो फॉल करती हैं। आफ्टर अगर मैं 10 मरला की बात करूँ कि 10 मरला के प्लॉट्स की क्या प्राइसेस हैं G4 ब्लॉक में, तो मिनिमम प्राइसेस जो हैं 10 मरला प्लॉट्स की वो 67,00,000 हैं और मैक्सिमम जो हैं वो 1,05,00,000 तक जो हैं प्राइसेस हैं 10 मरला प्लॉट की G4 ब्लॉक में। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ G5 ब्लॉक की। तो जैसा कि आपको आईडिया है, G5 ब्लॉक में बैरिया ऑर्चिड की ऑथराइज डेवलपर की तरफ से हाउसेस ऑफर किए थे, हाउसेस की डील ऑफर की गई थी जिनमें डबल स्टोरी होम्स थे और 5 मरला ट्रिपल स्टोरीज के भी होम थे। डील ऑफर की गई थी, इन डील्स का नाम था जैस्मीन विलास और जैस्मीन होम्स। इनकी डेवलपमेंट का काम बहुत फास्ट ट्रैक पे हो रहा है। अभी तक बैरिया ऑर्चिड फेस 4 की जो सबसे ज़्यादा डेवलप ब्लॉक है वो G5 ब्लॉक है और यहाँ पे अगर घरों की बात करें तो 10 से 15 घर यहाँ पे बन चुके हैं। आने वाले टाइम में जो ब्लॉक सबसे ज़्यादा रेट्स के हवाले से बूम इंक्रीज पे जाएगा वो G5 ब्लॉक होगा। G5 ब्लॉक में जो प्लॉट्स की कैटेगरी हैं वो 10 मरला और 5 मरला की प्लॉट्स की कैटेगरीज हैं। 10 मरला प्लॉट्स की जो रेट्स हैं यहाँ पे उनकी अगर बात करूँ तो 55,00,000 से ले कर मिनिमम मैक्सिमम और उसके बाद मैक्सिमम 80,00,000 तक प्लॉट्स की प्राइसेस हैं। मतलब यहाँ पे आपको 55,00,000 से लेके 55,00,000 से लेके 80,00,000 तक जो है प्लॉट्स की प्राइसेस देखने को मिलती हैं। प्लॉट की प्राइसेस फॉल करती हैं 10 मरला प्लॉट्स की G5 ब्लॉक में। आफ्टर 10 मरला मैं बात करूँ 5 मरला प्लॉट की, तो 5 मरला प्लॉट की जो प्राइसेस हैं यहाँ पे 42,00,000 से लेके 45,00,000 तक 5 मरला की जो प्लॉट की प्राइसेस है वो यहाँ पे फॉल करती हैं G5 ब्लॉक में। तो ये एक राइट टाइम है G5 की प्राइसेस देखते हुए, G5 की आगे फ्यूचर में देखते हुए, एक हाइप देखते हुए एक राइट टाइम है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का। और उसके बाद मैं बात करता हूँ G6 ब्लॉक की कि G6 ब्लॉक में भी काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट का काम चल रहा है। यहाँ पे सफारी होम्स के नाम से एक डील दी गई थी जिसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। G6 में जो कैटेगरीज हैं प्लॉट की कैटेगरीज हैं उनकी मैं बात करूँ तो 1 किनाल, 10 मरला और 5 मरला की प्लॉट्स की कैटेगरीज आती हैं। रेट्स की बात करूँ तो 1 किनाल का जो प्लॉट है उसकी प्राइसेज जो फॉल करती हैं 1,05,00,000 से ले कर 1,20,00,000 तक 1 किनाल प्लॉट की जो प्राइसेस हैं वो फॉल करती हैं G6 ब्लॉक में। आफ्टर 1 किनाल प्लॉट में अगर बात करूं 10 मरला कैटेगरी की, 10 मरला का प्लॉट की जो प्राइसेस हैं यहाँ पे 50,00,000 से लेके 50,00,000 से लेके 78,00,000 तक जो प्राइसेस हैं वो फॉल करती हैं 10 मरला प्लॉट की। आफ्टर मैं उसके बाद बात करूँ 5 मरला प्लॉट की कि 5 मरला प्लॉट की क्या प्राइसेस हैं G6 ब्लॉक में, तो 5 मरला प्लॉट की जो प्राइसेस हैं G6 ब्लॉक में वो 35,00,000 से लेके 37,00,000 तक आपको G6 में 5 मरला का प्लॉट जो है वो मिल सकता है। प्राइसेज हैं इसकी जो फॉल करती हैं वो इस रेंज में करती हैं। व्यूअर्स, आपने स्ट्रीट व्यू देखा है, आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा डिटेल्स में, फेस 4 की डिटेल्स के बारे में, करंट रेट्स के बारे में और करंट कंस्ट्रक्शन रेट्स के बारे में, कितने घर यहाँ पर बन चुके हैं। ये एक राइट टाइम है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का क्योंकि आने वाले टाइम में जो सबसे ज़्यादा जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो फेस 4 में देखने को मिलेगी। तो ये राइट टाइम है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का। आप ज़्यादा कॉस्टली प्लॉट में इन्वेस्टमेंट ना करें जो कि आपको लग रहे होते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक राइट ऑप्शन नहीं है। जो कॉस्टली प्लॉट्स हैं G1 के प्लॉट्स हो गए, ऑप्शन हो गए, या अदर साइड पे G3 के कॉस्टली ऑप्शन हो गए, आप इन्वेस्टमेंट करें अपने छोटे ऑप्शन में जहाँ पे आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा गेन जो है वो देखने को मिलेगा। तो व्यूअर, फेस 4 हाईली रिकमेंडेड है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो बैरिया ऑर्चिड में आपको देखने को मिलेगी वो फेस 4 में देखने को मिलेगी। अगर आप फेस 4 के किसी भी ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्लॉट बाय करना चाहते हैं, रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से प्लॉट बाय करना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए नंबर में से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है +9233111530। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि किस स्पेसिफिक ब्लॉक या प्लॉट का आपको असेसमेंट चाहिए। मेरी कोशिश होगी कि आप कमेंट को हाईलाइट करके उस पर वीडियो बनाई जाए। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।